अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद युवक की मौत। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर थाने पर किया प्रदर्शन। मेहंदीपुरा बालाजी थाना क्षेत्र की भावगढ़ में निवासी एक युवक की मौत होने के बाद बुधवार को परिजन शव लेकर बालाजी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने मेहंदीपुरा बालाजी पुलिस थाने के सामने काफी देर तक धरना दिया तथा कथित आरोपिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर मानपुर थाना प्रभारी मांगीलाल समेत बड़ी तादाद में पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा तथा समझाइश करने का प्रयास किया, लेकिन परिजन नहीं माने। बाद में पुलिस में बालाजी थाने के सामने सड़क पर रखे युवक के शव को उठाकर सिकराए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां गुरुवार को मेडिकल बोर्ड से मृतक का पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। सहायक उप निरीक्षक योगेश व्यास ने बताया कि भावगढ़ गांव निवासी रवि तथा सोनू बैर व 25 अक्टूबर को अपने गाँव से मोटरसाइकिल पर सवार होकर पांचोली गांव में किसी ठेकेदार के पास पैसे लेने आए थे, जहां मानपुर चौराहे के पास दोनों युवक सड़क हादसे में घायल हुए थे। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस ने सिकराए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था, जहां से मानपुर पुलिस ने दोनों को पहले दौसा अस्पताल तथा वहां से सोनू को जयपुर रेफर किया गया था, जहां चल रहे उपचार के बाद करीब 20 दिन पहले सोनू बैरवा को सवाई मानसिंह अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। अस्पताल से घर आने के बाद सोनू बैरवा की अचानक मौत हो गई, लेकिन परिजन गांव के कई लोगों पर उसके साथ मारपीट करने से मौत होना बता रहे हैं। युवक के शव का गुरुवार को सिकराए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल बोर्ड